नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले टेक न्यूज और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल इंडियन टेक जुगाड़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं टेक न्यूज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो टेक न्यूज के सेकेंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहली जो टेक न्यूज निकल कर आ रही है वो डिस्कवरी इंडिया कम्युनिकेशन की तरफ से निकल कर आ रही है कि डिस्कवरी इंडिया मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए इंडिया में दो नए चैनल लॉन्च करने जा रहा है। पहला होगा वीर चैनल और दूसरा है यहाँ पर राइज। जो वीर चैनल होगा वो यहाँ पर जो आर्म फोर्सेज है उनसे रिलेटेड होगा, जबकि जो राइज चैनल होने वाला है वो यहाँ पर यंग वुमेन्स के लिए होने वाला है। और दोस्तों, डिस्कवरी इंडिया ने पार्टनरशिप किया है यूट्यूब, रिलायंस जियो और वोडाफोन प्ले के साथ में। यानी कि अभी दो जो चैनल है वो या तो रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म जो जियो सिनेमा ऐप है वहां पर उपलब्ध होगा, यूट्यूब पर उपलब्ध होगा, और जो वोडाफोन प्ले का ऐप है वहां पर ये दोनों ही चैनल अवेलेबल होंगे। इसके अलावा ये चैनल कहीं भी अवेलेबल फिलहाल नहीं होंगे। दोस्तों, सेकंड न्यूज आ रही है यहाँ पर गूगल की तरफ से कि अभी गूगल ने कुछ दिन पहले ही जो गूगल मैप्स का लाइट वर्जन था, यानी कि गूगल मैप्स गो था, उसका अनाउंस किया था इंडिया के अंदर, तो अब वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन सिर्फ उसे वो लोग ही डाउनलोड कर पाएंगे जिनके पास में एंड्रॉइड गो ओएस है। दोस्तों, गूगल का जो यहाँ पर मैप्स गो है वो उन डिवाइस के लिए बनाया गया है जिनमें कम रैम होता है, यानी कि जिनमें 1 GB से कम रैम होता है उनके लिए ऐप बनाया गया है। वहां पर ये ऐप काफी अच्छी तरह से काम करता है और इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आ रही है आधार लिंक कराने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो बैंक अकाउंट था उसको लिंक कराने का जो लास्ट डेट था वो 31 दिसंबर 2017 था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो डेट है वो यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है और अब आप लिंक करा पाएंगे अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार नंबर से 31 मार्च 2018 तक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक लिंक नहीं कराया अपना अकाउंट अपने आधार से तो फिलहाल अभी आप लिंक करा सकते हैं 31 मार्च 2018 तक। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आ रही है जियो की तरफ से कि जियो का जो जियो फोन था उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी चाइना में, चाइना से ये फोन इंपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था जियो को, इसलिए वो जो डिवाइसेस यहाँ पर सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहा था चाइना से, और इसलिए काफी ज्यादा लोगों की जो डिलीवरी थी वो काफी लेट हो गई थी। तो अब जियो ने निर्णय लिया है कि वो अब यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है, चेन्नई के अंदर जो है प्लांट यहाँ पर लगाया गया और वहां पर जियो के फोन फिलहाल वहां पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। यानी कि अब आपको जो जियो फोन मिलने वाला है फ्यूचर में वो मेड इन इंडिया फोन मिलने वाला है। जियो ने टारगेट लिया था कि वो 20 मिलियन फोन सेल करने वाला है, लेकिन फिलहाल जो है 6 मिलियन फोन ही यहाँ पर सेल किए गए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से कि सैमसंग का गैलेक्सी A8 और A8 प्लस यहाँ पर उनकी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है। गैलेक्सी A8 में मिलेगा आपको 5.8 इंच का डिस्प्ले जो कि 18:9 रेशो के साथ आएगा, जबकि जो गैलेक्सी A8 प्लस होगा उसमें आपको 6.01 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है, और दोनों ही जो डिवाइस होंगे वो 18:9 रेशो के डिस्प्ले के साथ में आएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको बेजल लेस डिस्प्ले मिलने वाला है। अगर रैम की बात की जाए तो दोनों ही डिवाइस में आपको 4 GB का रैम मिलने वाला है, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो दोनों ही डिवाइस में आपको एक्सिनो 7885 प्रोसेसर मिलने वाला। अगर यहाँ पर फोटोग्राफी की बात की जाए तो दोनों ही डिवाइस में आपको डुअल फ्रंट कैमरा सेटअप मिलने वाला है फ्लैश के साथ में। एक होगा आपका 16 मेगापिक्सल का कैमरा जबकि दूसरा 8 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। अगर रियर कैमरा की बात की जाए तो वहां पर आपको सिंगल कैमरा ही मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का, और ये दोनों ही डिवाइस जनवरी 2018 में लॉन्च किए जा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पर जीवी मोबाइल्स की तरफ से। जीवी ने अपना एक नया स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च किया है और ये स्मार्टफोन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है और इसका प्राइस भी काफी कम रखा गया है, साथ में एयरटेल की तरफ से इस पर एक ऑफर भी दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जीवी ने जो यहाँ पर स्मार्टफोन लॉन्च किया वो यहाँ पर ब्लैकबेरी का जो कीवन आता था कुछ उस टाइप का स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च किया, यानी कि जो आपका स्मार्टफोन होगा वो टच एंड टाइप होगा, आपको वहां पर कीपैड भी मिलने वाला है और आपको टच स्क्रीन भी मिलने वाला है। इस फोन का जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 3,999 रुपए, लेकिन एयरटेल की तरफ से इस पर एक ऑफर दिया जा रहा है कि अगर आप इस पे एयरटेल का सिम लगाते हैं और 169 का रिचार्ज कराते हैं लगातार 18 महीने तक तो आपको 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट 18 मंथ तक फिर ऐसे ही रिचार्ज कराते हैं तो आपको 1,000 रुपीज का कैशबैक और मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपको 1,500 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा एयरटेल के पेमेंट बैंक में। अगर यहाँ पर फोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको इसमें 4 इंच का WVGA डिस्प्ले मिलने वाला है, 1 GB का रैम आपको मिलेगा, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है। कैमरे की बात की जाए तो रियर में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है जबकि फ्रंट में आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। साथ में इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 3,999 रुपए के स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। तो जीवी ने यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग फोन निकाला है, देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल ये फोन हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि फ्लिपकार्ट पर 15 से 17 दिसंबर तक जो न्यू पिंच डे सेल चलने वाली है वहां पर Mi A1 का प्राइस रखा गया है 12,999 रुपए। इस फोन को जब लॉन्च किया गया
तो इसका प्राइस था 14,999 रुपये। बाद में इसमें एक परमानेंट कट आए 1,000 रुपीज़ का, तो ये फ़ोन फिलहाल अवेलेबल है 13,999 रुपये में, लेकिन सेल के दौरान ये फ़ोन आपको मिल जाएगा 12,999 रुपये में, यानी कि 1,000 रुपीज़ का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। साथ में Redmi Note 4 पर भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है। Redmi Note 4 को फिलहाल आप परचेज कर पाओगे इस सेल के दौरान 10,999 रुपये में, जो कि 4GB 64GB वाला वेरियंट होगा। और दोस्तों Samsung के Home Next पर भी काफ़ी अच्छा ऑफर दिया जा रहा है, जो इसका एक्चुअल प्राइस था वो 17,900 रुपये था, लेकिन इस सेल के दौरान इस डिवाइस को आप 11,900 रुपये में परचेज कर सकते हैं। तो ये तीन ऑफर काफ़ी अच्छे ऑफर है, अगर आप फ़ोन परचेज करने का प्लान बना रहे थे तो इन तीनों में से कोई भी एक फ़ोन यहाँ पर चूज कर सकते हैं इस सेल के दौरान। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज आ रही है वोडाफोन की तरफ से कि वोडाफोन ने अभी कुछ दिन पहले MP और छत्तीसगढ़ के लिए एक प्लान लॉन्च किया था 176 वाला, जिसमें आपको 28 डेज का वैलिडिटी मिलता था, 1GB डाटा मिलता था जो कि आपका 2G डाटा होता था। तो अब इस प्लान को बिहार और झारखंड में भी उपलब्ध करा दिया गया है और इस प्लान का जो प्राइस यहाँ पर रखा गया वो 179 रुपीज रखा गया है। दोस्तों जो लास्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है गूगल की तरफ से कि गूगल का जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है वो फिलहाल एंड्रॉइड मार्शमैलो से ऊपर वाली डिवाइस पर ही उपलब्ध था, लेकिन गूगल ने आज अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी डिवाइस यहाँ पर एंड्रॉइड लॉलीपॉप और एंड्रॉइड मार्शमैलो पर रन कर रहे हैं सभी के लिए वॉइस असिस्टेंट फीचर गूगल की तरफ से लॉन्च किया जाने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज के कुछ टेक न्यूज, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।